तो कन्याकुमारी से कोई बस है नहीं और मदुरई के लिए, तो यहाँ से हमें एक मेन स्टेशन है वाडाचेरी करके, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके फिर मदुरई के लिए में भी बस मिल सकती है। अभी हम है कन्याकुमारी में। सच में यार, ये भाई साहब नहीं होते मेरे साथ तो तमिल तो यार, और इंग्लिश भी इनकी ऐसे ही है, कैसे मैं पहुँच सकता। थैंक्स टू हिम। लेट्स नाउ, हमें जाना है वाडाचेरी, बस ढूंढनी पड़ेगी। तिरुनेलवेली हर करके है कुछ, वाडाचेरी कैंसिल हुआ, एक बस मिली वहाँ जाएगा हम तिरुनेलवेली करके है कोई, और वहाँ से फिर मदुरई के लिए बस पकड़ेंगे। अभी हम तिरुनेलवेली वहाँ पर पहुँचे और हम मदुरई के लिए अब बस कुछ साज कर रहे हैं कहाँ से जाने का। वेयर टू गो देयर? यू हैव टू गो आउटसाइड फर्स्ट। ओके, तो हमें पहले बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ से मदुरई के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। थक गए यार, सुबह से बहुत चले हैं ऐसे ही, और अभी 85 किलोमीटर हम कन्याकुमारी से कहीं बीच में आए हैं और वहाँ से मदुरई के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। और फिर बाद में पता नहीं मदुरई कितने बजे हम पहुँचते हैं। आई थिंक इट इज गुड लोकेशन टू ईट समथिंग, कैन वी गो देयर? लाइक टू टेक कॉफी? या आई वांट टू, नॉट आई वांट टू ईट समथिंग लाइक। तो हम पहले वही कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं। कम 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 कम, यहाँ हाइजीन प्लेस बहुत कम जगह मैंने देखा है, क्योंकि थोड़ा हाइजीन लगा तो सोचा कुछ नाश्ता कर लो, पता नहीं मदुरई कब पहुंचने वाला हूँ। फाइनली मदुरई पहुंच गए भाई, 4-5 घंटे लग गए वहाँ से, और फेस देख के ही लग रहा होगा कि पूरा थक गया मैं। ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर पी एंड टेक अ गुड टी। वी हैव टू गो देयर। पहले भाई हम, मैं कब के रोक के बैठा हूँ सुबह से 12 बजे से, 6 बज गए, मैं टॉयलेट नहीं गया तो रेस्ट रूम हम ढूँढ रहे। फिर यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल वॉक वे पर ही है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, तो हम चल के ही जाने वाले हैं। और फिर रात को मैं कोयम्बतूर के लिए बस पकड़ूँगा इधर से और सुबह पहुँच जाऊँगा कोयम्बतूर। शाम के 6:30 हो गए और अभी हम पहुंच गए हैं मीनाक्षी टेम्पल। इधर अंधेरा हो गया, 6:30 हो गए, तो चाय पीनी है तो हम पहले चाय पियेंगे, और हमारे सामने ही मीनाक्षी टेम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ये सामने ही है। Temple is closed or what? Is it open or closed? Thank you.
सिंथिल तो इधर भी कैमरा अलाउ है नहीं, तो वो हिसाब से मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, पर बाहर से दिखा देता हूँ मीनाक्षी मंदिर आपको। टावर वहाँ पीछे है, पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा, और दर्शन करने के लिए ये दूसरा रास्ता है, दर्शन यहाँ से करके जाने का, अंदर एंट्री यहाँ से, और कैमरे का सख्त ना लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। और ये बाज़ार भी बहुत, यहाँ कारीगरी हर जगह पे बहुत ही अच्छी की गई है, ऐसे सिंपल वॉल नहीं है पर हर वॉल के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई है, ये भी आप देख सकते हो। ओके, तो फाइनली मंदिर के अंदर हमारे दर्शन हो गए। मंदिर बहुत ही बड़ा है, कम से कम 500 मीटर तो ऐसे ही चल के जाना है, और सब भगवान आ गए अंदर। मेन मंदिर है मीनाक्षी देवी का, जैसे पार्वती देवी है उनका ही अवतार है, और एक महादेव का ही कोई अवतार है सुंदरम करके, उनका मंदिर है, पर हर भगवान आपको अंदर मिल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, कम से कम 500 भगवान की मूर्तियाँ होगी, सबके दर्शन करने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा, पर हमारे पास टाइम है नहीं इतना। मेरी और इसकी ट्रेन बस दोनों की 11 बजे के आसपास है, तब तो हम निकल रहे हैं इसके लिए, पर बहुत ही काफ़ी अच्छा मंदिर है, कभी आना चाहिए, पूरा एक दिन लग जाएगा आपको आने में। ध्यान रखने जैसी बात वो है कि ये मंदिर के चार द्वार है, तो कौन से द्वार से आप एंटर होते हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि निकलते वक्त कन्फ्यूज हो जाओगे और सब सेम एक जैसा ही दिख रहा है, उसकी वजह से हम भी थोड़े इधर से उधर हो गए। लगेज आप अपना वहीं रख सकते हो, 10 रुपये लेते हैं, फ़ोन भी वहीं रखना उसका अलग से 10 रुपये। हाउ मच? 2 रुपीज़ पर बैग। ओके, 2 रुपये लिए पर बैग, और मोबाइल के 10 रुपये लिए हैं। शूज़ तो हमने वही ऐसे ही रख लिए, बाकी कुछ कहने लायक है नहीं, दर्शन काफ़ी बढ़िया हो गए, बहुत सारे भगवान थे यार, पहली बार ऐसा मंदिर देखा, 500 के ऊपर भगवान हो गए। तो अभी निकल रहा हूँ मैं कोयम्बतूर के लिए, बाकी की बातें वहीं करेंगे, अभी बस मेरी 11:30 के आसपास है, और मैं बहुत ही थक गया हूँ, कम से कम 15-1 किलो का वेट है मेरे पे, और रोज़ का 6 से 7 कम से कम 6 से 7 किलोमीटर मुझे वॉक करना पड़ रहा है अभी, तो मेरे शोल्डर भी आज तो दुख रहे हैं, कल मुझे पूरा दिन रेस करना पड़ेगा, ऐसे भागते भागते सब एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा मैं। चलिए मिलते हैं कल सुबह कोयम्बतूर में।